नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिम कार्ड के लिए जो 35 का रिचार्ज करवाना पड़ता था, सिम कार्ड को जिंदा रखने के लिए आखिर वह रिचार्ज कहाँ गया और आपको अब किस तरह से 35 का रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि दिसंबर मंथ में लगभग सारे कंपनी का टैरिफ प्लान चेंज हो गए। यहाँ पर जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इन सभी कंपनियों का टैरिफ प्लान चेंज हो गया, रेट में इंक्रीज किया गया और जो 399 रुपए का जो पैक था उसके साथ प्राइस में तो छेड़छाड़ नहीं किया गया लेकिन वैलिडिटी के साथ छेड़छाड़ किया गया। इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि अब जो है नया प्लान जो है किस तरह से यहां पर लाई गई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 35 रुपए वाले प्लान के बारे में। आप सभी को पता होगा कि सिम कार्ड को जिंदा रखने के लिए मिनिमम 35 रुपए का रिचार्ज करवाना अनिवार्य था, लेकिन दिसंबर मंथ में जब प्लान चेंज हुए, रेट इंक्रीज किए गए तो किसी भी ऑपरेटर में 35 रुपए का रिचार्ज नजर नहीं आ रहा है। अगर हम एयरटेल के बारे में बात करें तो उस पर भी 35 रुपए वाला रिचार्ज प्लान आपको नजर नहीं आएगा और ना ही आपको आइडिया वोडाफोन में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये 35 रुपए का रिचार्ज वाला प्लान कहाँ गया और कैसे आप लोग अब सिम कार्ड को जिंदा रख पाएंगे तो आइए हम बता देते हैं। दोस्तों अब आपको 35 रुपए का रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा बल्कि उससे कम का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। एयरटेल में अगर देखा जाए तो 14 रुपए, 26 रुपए वाले ऐसे पैक आपको देखने को मिल जाएगा। वही आइडिया वोडाफोन में 35 रुपए से कम वाले प्लान आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बात बता दूं एक कि यहां पर 35 रुपए का छोड़कर जो भी प्लान आप वहां पर लगाते हो अपने, जैसे 14 रुपए का प्लान अगर रिचार्ज करते हो 14 रुपए के प्लान के साथ या फिर 26 रुपए के प्लान के साथ, तो उसके साथ आपके सिम का वैलिडिटी 3 महीने के लिए बनी रहती है। मतलब साफ है कि आपके सिम कार्ड में कोई अमाउंट हो ना हो, वैलिडिटी 3 महीने के लिए बनी रहेगी। अब आप लोग ये मत समझ लेना कि जो टॉप अप करेंगे उस पर भी मेरा वैलिडिटी बना रहेगा और सिम कार्ड बंद नहीं होगा। जी नहीं, चाहे आप स्पेशल रिचार्ज कराओ या फिर अनलिमिटेड रिचार्ज कराओ, कोई भी रिचार्ज करवाते हो उसके साथ आपके सिम कार्ड की वैलिडिटी बनी रहती है। आउटगोइंग इनकमिंग कॉल का मजा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर वही टॉप अप वाले रिचार्ज करोगे, टॉप अप प्लान के साथ रिचार्ज करोगे, जैसे 10 का हो गया, 20 का हो गया, 30 का हो गया, 100 रुपए का हो गया, ये सभी अगर टॉप अप रिचार्ज करोगे तो आपके लिए ये खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर जहाँ तक देखा जाए तो अनलिमिटेड प्लान की रेट इंक्रीज किया गया है, लेकिन यह जो 35 रुपए का प्लान था उसे हटा दिया गया है और कम कर दिया गया है। अगर हम इस तरह के प्लान के बारे में बात करें तो आपको 35 रुपए से ऊपर भी जाना पड़ सकता है। जी हाँ, आपके अनुसार से ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान के साथ जाना चाहते हैं, कौन सा पैक अपने उस सिम कार्ड पर लगाना चाहती हैं। तो यहाँ पर आपको 42 रुपए ऐसे करके जो है 35 रुपए से ऊपर का भी रिचार्ज आपको करना पड़ सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक ताज़ा प्रूफ मैं आप सभी को दे देता हूँ। यहाँ पर मेरा सिम कार्ड इनएक्टिव था जो कि लगभग हमने रिचार्ज नहीं करा था और आउटगोइंग इनकमिंग सारे कुछ बंद थे, ना SMS आ रहे थे ना कुछ आ रहे थे। तो यहाँ पर 35 रुपए का प्लान हमें एयरटेल पर नज़र नहीं आ रहा था, तो मात्र 26 रुपए का हमने रिचार्ज किया तो आउटगोइंग कॉल और इनकमिंग कॉल स्टार्ट हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि अब आपको 35 रुपए का रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा बल्कि उससे कम का भी रिचार्ज करवाओगे तो अब चल सकता है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने आपको छोटा सा अपडेट दे दिया है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा काम जरूर कर जाएगा। जो लोग अनलिमिटेड पैक के साथ रिचार्ज करवाते हैं उनको तो टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग अपने घर के लिए मोबाइल फोन में सिम कार्ड यूज करते हैं, जैसे उनको सिर्फ जिंदा रखने के लिए यूज करते हैं, उनके लिए यह खबर बहुत ही जरूरी होगा, ये हमें पता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में इसी तरह के नए और ताजा अपडेट के लिए। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक यह खबर जरूर पहुंचा देना। धन्यवाद।